भाई सीन चेक करो, सीन व्हाट अ सीन यार, क्या ही सीन है भाई, मस्त सीन भाई। आज तो भाई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ना आपको लाजवाब मिलने वाला है। ओहो सो भाई लिटिल बिट कन्फ्यूजन ऑन द मैप। सो भाई फिलहाल तो आप सीन चेक करो भाई, सामने वो चक्राता के रोड है लग रहा मुझे ना। वही वाली पार्ट देख रहे हो, वो जो गाड़ी चल रही है वो चक्राता की रोड है भाई पूरी। एंड सीन चेक करो भाई, व्हाट अ सीन यार, क्या लाजवाब व्यू है भाई। सो हेलो ना, वेलकम गाइस ऑन अ न्यू ब्लॉग। सो आज के इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं भाई इस गांव से, पहाड़ से आप देख पा रहे होंगे। एंड ना भाई रोड बहुत ख़तरनाक है, ऑफ रोडिंग हो रही है मस्त वाली भयंकर। रोड ना बिल्कुल भी टावर है नहीं भाई, उसमें सिर्फ गिटियाँ गिटियाँ दिख रही है और कई बार ना भाई स्लिप हो जा रही ठीक ठाक ही है। देखो भाई अब इसको क्या बोलोगे आप, देखो कैसी ऑफ रोडिंग हो रही है हमारी आज तो भाई, पता नहीं कौन सी जगह आ गए हम, खतरनाक वाली सीन हो रही है भाई ये देखो भाई फुल ऑफ रोडिंग यार ये धारा वाली पानी देखो भाई मस्त। प्रद्युमन जी अभी बहुत पीछे हैं, थोड़ा सा आराम से चलते हैं क्योंकि वो एक बार स्लिप हो चुके हैं जब एक बार स्लिप हो जाता है ना बंदा फिर ढुकढुकी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड ना भाई रिक्स बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि रोड बहुत छोटी है। एंड ना भाई एक तरफ बिल्कुल खाई है तो इसलिए आराम आराम से हम लोग चल रहे हैं। एंड आई होप कि भाई आपको ना ये पार्ट सीरीज वीडियोज ना बहुत पसंद आएंगे क्योंकि भाई मैंने पिछला वीडियो वहीं एंड कर दिया था, वहाँ से इस ब्लॉग को कैरी ऑन रखे हैं। एंड भाई बकरियाँ, ओहो भाई फुल ना गांव वाली फीलिंग आ रही है, पहाड़ गांव वाली। देखो पहाड़ की लाइफ स्टाइल कैसी होती है ना आपको देख के समझ में आ रहा होगा भाई। ये देखो भाई ऊपर ऊपर पहाड़ों में भयंकर हांड बनी हुई है छोटी छोटी सी। एंड सड़क देख रहे हो भाई साहब, लैंड स्लाइडिंग तो भाई साहब पता नहीं भाई इस सीज़न में लैंड स्लाइडिंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भाई सीन चेक करो, सीन व्हाट अ सीन यार, फुल पहाड़ भुग्याल वाली। एंड ये वाली जो रोड है ना, ये ख़तरनाक रोड होती है भाई साहब, बिल्कुल ख़तरनाक, साला टावर ही नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई अपने को बिल्कुल ना संभाल के चलनी पड़ रही है, नहीं तो एक मेन बात अपनी साली ब्रेक भी नहीं है ब्रेक हो रखी पूरी कमज़ोर भाई, अपनी माया की सर्विस होनी थी आज, बट क्या ही करें यार, आप लोगों को वीडियोज भी तो लानी है यार, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो यार। बिना ब्रेक के मैं बाइक ट्रेवल कर रहा हूँ, मतलब ब्रेक है मतलब उतना जानदार नहीं है, अगर मैं 20-30 के स्पीड में चलूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उससे स्पीड अगर बढ़ाऊँ तो भाई ब्रेक कतई ही नहीं लग रही। एंड रोड देख रहे हो भाई सब पहाड़ों में भाई, रिपेयरिंग के नाम पे जीरो है, बिल्कुल जीरो, पता नहीं कब की रोड बन रखी होगी, सारी गिट्टियाँ ऊपर आ गई है। इतनी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी, कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ होती है पहाड़ों में भाई। ये डिस्टेंस भले कम दिखा रहा था कि यहाँ से, बट ये डिस्टेंस कवर करने में ना हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि फुल ऑफ रोडिंग वाली रोड है भाई ऐसा लग रहा है मैं दसियों सदी पीछे चले गए अब यहाँ पे आके एक तो पहाड़ों में ऊपर से रोड ऐसी खतरनाक वाली है, अब नाइट रात होने से पहले हमें यहाँ से निकलने भी पड़ेगी। सो भाई फिलहाल अभी हमने एक होल्ड लिया है एंड भाई अभी रुके हैं, थोड़ा सा प्रद्युमन जी का थोड़ा सा काम था, कॉल वॉल आ रही है तो कॉल वॉल रिसीव करते हैं। एंड सीन कैप्चर करो भाई, का ही मस्त भुखियाल वाली पहाड़ है भाई, देखो पूरी सूखी पहाड़, ओहो। एंड मस्त MT के साथ भाई आज ट्रेवल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम साथ में छुट्टी रहती तो होती रहती ट्रेवल, क्या कर सकते हैं भाई, आज काफी टाइम के बाद हम दोनों को एक ही दिन में छुट्टी मिला हुआ। राइट कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला और फिलहाल कोई प्लान भी नहीं था भाई, आज तो प्लान था मेरा माया को सर्विस करानी थी एंड कार में नंबर प्लेट लगवाना था, बट चलो इग्नोर किया उस थिंग्स को क्योंकि भाई आपको वीडियोस भी तो देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो अभी यहाँ से नियर अबाउट अभी 40 मिनट्स का और रास्ता रह गया है क्योंकि पहाड़ों के सफ़र है तो थोड़ा सा टाइम तो कंज्यूम होता ही है भाई। ये क्या सीन है फिर ऊपर ही जाओगे भाई, जब नीचे की मिट्टी पूरी गायब है
भाई सीन चेक कर रहे हो? हमारी हाथ पे थर थर कांप रहे भाई। ऐसे जगह ओ भाई साहब, शायद मोस्टली कोई आता होगा, और ऐसे मोड में और रोड ना सही हो तो भाई क्या ही कर सकते हैं। सामने व्यू चेक करो भाई, सामने व्यू, ओहो कहीं मस्त भुखियाल वाली व्यू है भाई, पूरी पहाड़ भुखियाल है भाई साहब। भाई फिलहाल लिए हमने एक और हॉल्ट, एंड यहाँ पे अभी बाइक खड़ी है। एक्चुअल में प्रद्युमन जी का कॉल आ गया था, दैट्स व्हाई फिर वेट कर रहे हैं। फिलहाल रास्ता भी थोड़ा सा भटक गए थे, तो फिलहाल ना अभी हम निकल चुके हैं मंदिर के तरफ। एंड भाई ना क्या ही हवा चल रही है, मस्त ठंडी ठंडी, एक अलग ही भाई साहब, एक अलग ही प्योरिटी वाली ना हवा चल रही है भाई। अलग है, ऐसे इंसान को चला सकता है? नहीं भाई, अपना अपना फार्म हाउस हो ना तो ऐसे जगह में हो बैंकर, छुट्टियाँ काटने तो ऐसे जगह पे ही आओ। कितनी मस्त लोकेशन है ना भाई, एंड मस्त अभी रुके हुए, मस्त नेचुरल ना भाई, नेचुरल प्योरिटी जो हवा है ना वो हम थोड़ा सा खाते हैं फिर निकलते आगे इधर। तो भाई दोस्तों फिलहाल अभी हमने एक और हॉल लिया है, हॉल नहीं लिया एक्चुअल में भाई, यहाँ पे रास्ता बंद है, इसलिए हमने अभी माया यहाँ पे खड़ी कर दिया है, एंड हियर इज द एम्प्टी। तो भाई रास्ता बहुत ख़राब मिल रही है, नहीं सुंदर तो वादियाँ हैं, लेकिन जिस हिसाब से जितनी छोटी रोड है ना उस हिसाब से रोड में डावट नहीं है। बीच में एमसी तो ऊपर ही जाना था, पूरी वाली टी रन हो गई थी। लग रहा था मैं स्पीड क्या, वो तो ऐसा लग रहा था कि मैं स्टंट मार रहा हूं, स्टंट मारने वाले सीधा बस इस वाले से सीधा चक्राता वाले रोड में आने वाले थे, समझ रहे हैं? समझो इशारा समझो, लेकिन ठीक है यार, पहाड़ों में भी इतना अगर रोड है तो अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ पे सुविधा नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ पे भी रोड बन रखी है। फिलहाल रिपेयरिंग नहीं है उतनी, बट फिर भी रोड बनी हुई है, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, धीमे धीमे आने वाले टाइम में भाई रोड भी रिपेयर हो जाएंगे। एंड भाई सीन तो भाई क्या ही कैप्चर हो रही है, मस्त सीन कैप्चर हो रही है, पूरी भुगियाल है देखो भाई, पूरा भुगियाल है देखो भाई, देख रहे हो पहाड़ों में भयंकर पेड़ तो दिख नहीं रहे ना, हरे दिख रहे हैं पूरे सफेद ही दिख रहे हैं। बारिश आएगी तो सारे फिर भी नहीं है, हरी नहीं है, पेड़ पौधे होते हरे होते ना, भुखियाल वाली पहाड़ी है ये पूरा। तो मस्त सीन कैप्चर होने वाले हैं, अभी भी यहाँ से अभी 13 किलोमीटर और रह गए हैं, तो पहाड़ों के सफर है एंड हाफ एन आवर अभी शायद हमें लगेंगे और। चलो भाई फिलहाल रोड खाली हो रही है हमारी, पहाड़ों की लाइफ देख रहे हो कितने भयंकर वाली होती है, भयंकर। देखो टेम्पू कैसे लगा रखा है, ओह ओह नो 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 नो। चलो भाई भाई पहाड़ों के एक्सपोर्ट तो पैक्सपोर्ट ही होते हैं। फिलहाल भाई हमारी रास्ता खुल चुकी है एंड हम आगे के लिए निकल चुके हैं। एंड भाई मस्त सीन कैप्चर हो रही होगी ना आपको, पहाड़ों में भी भयंकर देख रहे हैं, भयंकर सीन्स, हो क्या ही मस्त है भयंकर। लेकिन साला पत्थर ऐसे पड़े हैं रोड में बिल्कुल धारीले वाले, टेंशन हो रही है भयंकर। कोठी ये भी कोठी में आता है, अच्छा मतलब ये कोठी भी, वो कोठी था यार, वो भी ये भी कोठी में आती है, पता नहीं भाई। बट भाई मस्त भाई सीनरी कैप्चर करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर निकल रहे हैं भाई। लेकिन रोड में ना भयंकर वाली साली, इतनी पत्थरे पड़े हैं और धारीले धार पड़े हैं ना भयंकर, टायर बचा बचा के चलनी पड़ रही है। एक बार तो चढ़ गई थी मेरे ऊपर, मैंने सोचा टायर तो निकट गई भयंकर, क्योंकि यहाँ तो कोई सुविधा भी नहीं है, कंधे में लाद के ले जानी पड़ेगी अपने बाइक को। वाट अ ब्यूटी ऑफ नेचर, देख रहे हो भयंकर भुखियाल, पूरा भयंकर भुखियाल बोलता हूँ बार बार, पूरा भुखियाल है भाई, भुखियाल वाली पहाड़ भयंकर भाई। हमने कोई जगह ऐसा छोड़ नहीं रहे भयंकर, पता नहीं कहाँ घुस रहे हैं हम भी, प्लेसेस को एक्सप्लोर करा रहे हैं भाई आपके लिए। बट सपोर्ट करो भाई, तभी जाके और वीडियोज मिलेंगे आपको भाई। फिलहाल अभी हमने एक और हॉल्ट लिया है एंड अभी आप पीछे सीन चेकआउट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे जाके थोड़ी सी हमें ग्रीनरीज देखने को मिली है, अदरवाइज ना पूरा भुगियाल मिल रही है भयंकर पहाड़ ना, पूरा भयंकर भुगियाल वाली। हाँ हो सकता है कि भाई मौसम भी ऐसा है अभी इस समय, बट यार पेड़ पौधे तो हमें कहीं कहीं हरे दिख रहे हैं, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई पतझड़ लगी हो। ये देखो पूरी पेड़ जो है हरी है, देख रहे हो पूरी ग्रीन है,
एंड भाई यहाँ सीन चेक करो भाई, ओ ये सीन चेक करो, ये देख रहे हो प्रभु, एंड ये पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर, ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ना भाई रोड के बीचों बीच पड़ी है ना, अपने को बचा बचा के चलना पड़ रहा है। एंड ये क्या फंस गया भाई, कटीला, आई नए प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, यहाँ तक कोई ब्लॉगर पहुँचा नहीं होगा भाई। अनटेस्ट प्लेस भाई, आना भाई जितने भी ब्लॉगर्स है भाई देहरादून से भाई, इस प्लेस को आना एक्सप्लोर करने के लिए, शायद हम पहले बंदे होंगे जो हम इस रास्ते से उस जगह पे जाएंगे। इस रास्ते तो बहुत फेमस है बट रास्ता ये नया है। अच्छा, अब पता नहीं भाई उस प्लेस को लोगों ने एक्सप्लोर किया है कि नहीं किया है, बाकी मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। एंड भाई जो रोड से आ रहे हैं ना उस रोड से तो पहली बार आ रहे हैं। क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल सही बात है, इस रोड में वो जो बीच में से रास्ता कटा था ना, मुझे लग रहा है वो थोड़ा लंबा है लेकिन वो सही रास्ता होगा, हम ये थोड़ा शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ आ गए। तो पता तो था नहीं, वहाँ पे तो अच्छा रोड लग रहा था, मुझे भी लग रहा था अगर उस रोड से निकलते तो शायद अभी तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक पहुँच जाना था, बट क्या ही कर सकते हैं, जो किस्मत में होता है वही होती है, अच्छा ही होता है, क्या पता ये रोड में कुछ अच्छा ही मिल जाए हमें देखने के लिए। और क्या, बट हमने जो है ना ये वाला रोड सेलेक्ट किया था एंड ऑलमोस्ट अभी हम पहुंचने वाले हैं, अराउंड मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर और रह गए, हाफ एन आवर के अंदर टच करेंगे, फिर वहाँ के सीन्स कैप्चर कराएंगे एंड फिर थोड़ा सा टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, दैन फिर वापस निकलेंगे बैक टू। बाकी तो भाई चाय के लिए बोले थे, चाय का व्यवस्था कहीं दिख नहीं रही है, किसी के घर पे जाना पड़ेगा, ऐसे ही लग रहा है किसी के घर पे जाके चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि कहीं दिख नहीं रही दूर दूर तक, अभी थोड़े से आगे दिख रही है मकान वगैरह, देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ होगा तो करके हो जाएंगे, अगर वहाँ कुछ मिलता है तो देखते हैं, चाय भाई पियेंगे, ठीक है ना, कुछ खाने पीने का होगा तो खा पियेंगे, फिर निकलेंगे सीधा आगे के लिए। भाई काफी दूर चलने के बाद ना अब नसीब हुए हमें रंग बिरंगी घर, देखते हैं यार यहाँ पे अगर चाय भाई का फैसिलिटी मिलती है ना चाय भाई पियेंगे, मुझे लग तो नहीं रही उम्मीद क्योंकि मकान ही बने हैं सिर्फ, लेकिन जो भी बने मस्त कलरफुल मकान बने हैं पहाड़ों में वो। एंड भाई एडवेंचर वाली तो भाई आज टूर हो रही है हमारी पूरी, रोड देख रहे हो। लगता नहीं कि यहाँ पे भी कुछ होगा चाय भाई का फैसिलिटी, बाकी बाइक कार वगैरह तो यहाँ लगे तो हैं, हो सकता है, अच्छा मंदिर है ऊपर को, बाकी यार निकलते हैं सीधे फिर आगे, आज नसीब में नहीं है हमारे चाय वाय पीने के लिए। कोई मंदिर है, लोग दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे, फिलहाल जो है ना अपना जो अचीवमेंट है ना वहाँ हम पहुँचेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि भाई ऑलरेडी वी आर लेट क्योंकि 1 बजने वाले हैं, फिर अपने को रिटर्न भी होनी है एंड ऑलमोस्ट हमने ना भाई 60 किलोमीटर तो चला ही दिए होंगे हमने,